गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमा चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग होंगे सेफ एंड हेल्दी। एंड आज है फ्राइडे। फ्राइडे का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप आप लोगों को आज का जो ब्लॉग है वो जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि आज के ब्लॉग में जो है मैं आप लोगों को टोटल मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करूंगी। होप आप लोगों को जरूर से जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि हूँ मैं विलेज में। एज यू ऑल नो दैट कि हम लोग जो है विलेज में शिफ्ट हो चुके हैं। एंड विलेज में हमारा जो है मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन कैसा होता है, कैसे मैं मैनेज कर पाती हूँ विदाउट माय मदर इन लॉ, वो मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यस गाइस, आज जो है मेरी सासू माँ जो है घर में नहीं है, कुछ काम के सिलसिले में बाहर गई है। तो फादर इन लॉ बाबू, मैं एंड मेरे एक ब्रदर इन लॉ वो हैं घर में। एंड हम चारों के लिए हम खाना बनाने वाले हैं, ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ मैं। जितना भी कुछ होने वाला है वो आज टोटल ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड हो सकता है थोड़ा सा ब्लॉग लेंदी हो जाए, बट ज़रूर से ज़रूर अच्छा ज़रूर लगेगा। एंड थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस करके पास के बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन जरूर रखिएगा ऑल, ताकि हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। एंड ये जो आप लोगों को दिख रहा है उसका तो टोटल ब्लॉग मैंने बनाया था जब मैंने परचेस किया था। एंड कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ वो मैं आप लोगों को इन फ्यूचर शेयर कर बताऊंगी ब्लॉग में। बट अभी के लिए जो है मैंने कैसे परचेस किया है एंड इसके कितने सेक्शंस है वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप आप लोगों ने देखा होगा वो ब्लॉग। अगर नहीं देखा होगा तो आई बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका जो ब्लॉग का जो लिंक है वो मिल जाएगा, वीडियो का लिंक, ताकि आप लोग इजीली वहाँ से जाके देख पाओ। तो अभी के लिए जो है मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करती हूँ, देन उसके बाद जो है मैं आगे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बातें करते करते जो है टोटल ब्लॉग शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं हम ब्रेकफास्ट के साथ। बाबू एटा तक तू जोल डाल तो ठीक है। ठीक है ठाक हमें देख आमी डाल दो होए गाचे सोरे जान आमी फले भी अच्छे गंदा लगते हैं। आमी डाल दो मैं डाल दो सोर 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 एटा कोरे नहीं तापर दिखा दूँ। हम दोबारा किसी बोल बो तो क्या बाबू ওই বাটিটা দে এত হ্যাঁ কেন এটা দিয়ে কি হবে এমন রাখতে তো তো এটা ছিলাম तो जैसे कि देख पा रहे हो कि बाबू और मैं जो हैं यहाँ पे वेजिटेबल्स काटने की तैयारी कर रहे हैं। यस गाइस, सारे जो ब्रेकफास्ट की तैयारी है काटने का, वेजिटेबल्स जो भी मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ वो तो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए जो है मैं जल्दी से सारी जो तैयारी है वो कर लेती हूँ बाबू के मदद से। एंड बाबू मुझे हर चीज़ में मदद करता है। थोड़े थोड़े ब्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होप आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगता होगा। कैसा लगता है नहीं लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरा जो ब्लॉग्स है वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है मैं और बाबू सारे जो वेजिटेबल्स हैं जो ब्रेकफास्ट बनाने में यूज़ होने वाले हैं वो हम लोग काट के अच्छे से वॉश करके जो है प्लेट्स में सजा के रख रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो तो बहुत सारे वेजिटेबल्स मैंने काट के रख दी है। क्या क्या काट के रख दिया है मैंने वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वन बाई वन करके, ताकि आप लोगों को डिटेल्स में समझ में आ जाए। कैरेट, इसे क्या कहते हैं? पोरेट। कैरेट एंड इसे क्या कहते हैं? कैप्सिकम। कैप्सिकम काटना हो चुका है, कैरेट काटना हो चुका है, मैंने एक ग्रीन चिली ले लिया है। एंड अब मैं काटने वाली हूँ थोड़ा सा चार पांच बीन्स। ये फ्रेंच बीन्स है गाइस, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए इसको मैं अच्छी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ। ये चाकू में तो बिल्कुल ही शार्पनेस नहीं है, काटने में बहुत ज्यादा
मुश्किल हो रही है। तो देख ही लिया आप लोगों ने कि कितना वेजिटेबल्स मैंने काट के तैयार कर लिया है। यहाँ कैप्सिकम काट लिया है, थोड़े बहुत बीन्स काट लिए हैं, कैरेट काट लिया है, ग्रीन चिली भी काट के तैयार है मेरा। एंड मैं क्या बनाने वाली हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो मैं बनाने वाली हूँ आज लेफ़्ट ओवर राइस के हेल्प से एग फ्राइड राइस की रेसिपी। तो चलिए झटपट से शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगेगा। और मैं जो वीडियो को एडिट करते वक्त जो वॉइस ओवर डाल के आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ उसमें आप लोगों को बाबू की आवाज़ आ रही ही होगी, बिकॉज बाबू मेरे पास ही बैठ के जो है अपना मॉर्निंग का पढ़ाई कर रहा है। एंड बाबू जो है यहाँ आके बहुत कुछ सीख चुका है, क्या क्या सीखा है नहीं सीखा है वो मैं अलग से आप लोगों को एक दिन बाबू के अपडेट्स के बारे में, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रही हूँ मैं उसके फ्यूचर के लिए, वो सब कुछ मैं शेयर करूँगी, बट आज के ब्लॉग में नहीं शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो है मैंने अंडे को अच्छे से नमक एंड हल्दी डाल के जो है फ्राई कर लिया है। देन उसी कढ़ाई में जो है मैं दोबारा से ऑयल ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट ऑफ, क्योंकि राइस एंड वेजिटेबल्स को हमें अच्छी तरीके से फ्राई करना होगा। तो 3-4 टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। देन उसके बाद वो ग्रीन चिली जो काटा था मैंने थोड़ा सा चीर दिया था वो ऐड कर दिया था। एंड देन उसके बाद जो स्मॉल टेबल स्पून होते हैं उसका 1 टेबल स्पून ऑफ जो है मैंने जीरा ऐड कर दिया। देन अनियन ऐड किया है, अनियन को थोड़ा सा भुनने के बाद जो है मैं सारे वेजिटेबल्स को भी मैं ऐड कर दूंगी, ताकि ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छी तरीके से थोड़ा सा कुक हो जाए, ताकि ये कच्चा ना रहे हमारे एग फ्राइड राइस में। तो सारे वेजिटेबल्स को जो है मैंने नमक डाल के थोड़ा सा ढक दिया था, तो वो अच्छे से कुक हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। देन उसके बाद जो है एग, वो जो मैंने स्क्रम्बल्ड एग बनाया था वो भी ऐड कर दिया। एंड जो थोड़ा लेफ्ट ओवर राइस था कल रात का वो मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी विंटर सीजन्स हैं तो सब्जियाँ राइस ये सब ख़राब नहीं होते हैं उतने जल्दी। देन उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा गर्म मसाला। अब जो है सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ फाइनली, एंड 1-2 मिनट और भून लूँगी अच्छी तरीके से, थोड़ा सा फ्लेम को स्पीड अप करके। देन जो है हमारा लेफ्ट ओवर राइस का फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस जो है बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल ये हर जो चीज़ जो मैंने ऐड किया है ना गाइस, ज़्यादा मसाला भी नहीं है एंड बहुत ही सिंपल तरीके से। होप आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। एंड जब तक मैं बना रही थी बाबू जो है अपना मोबाइल में थोड़ा बहुत गेम खेल रहा है, एंड खेलने के बाद जो है मैं उसको खिलाने वाली हूँ। एंड रेसिपी कैसी लगी बताइएगा मुझे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, ज़्यादा तामझाम नहीं किया, बस वेजिटेबल काटने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ मैंने बाबू को बाहर से बुला लिया है, क्योंकि बाहर बाबू खेल रहा था। तो मैंने जो है बाबू के लिए दूध एंड ब्रेड जो है अच्छे से बना लिया है, थोड़ा सा गर्म करके, ताकि वो इजीली खा पाए। एंड एग फ्राइड राइस खाने का उसका मन नहीं था तो वो नहीं खाया। एंड फाइनली मैं मिलती हूँ आप लोगों को ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो
अभी जो है ना मैं बैठ चुकी हूँ एंड खाना हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ब्रेकफास्ट का कोटा जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड अभी जो है मैं लंच की तैयारी करूँगी। लंच की तैयारी के साथ साथ जो है बाबू को मुझे होमवर्क भी फिनिश करवाना है, तो बाबू जो है यहाँ बैठ चुका है होमवर्क करने। होप यू ऑल कैन सी दैट गाइज। तो बाबू बैठ चुका है होमवर्क करने एंड मैंने जो है लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या प्रिपरेशन मैंने अभी तक किया है एंड बाकी का जो लंच रूटीन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने बताया कि घर में अभी फ़िलहाल हम तीन ही हैं एंड फादर इन लॉ मैं और बाबू ही हैं और ज़्यादा कोई नहीं है एंड साथ ही साथ जो है चाची लोग भी नहीं है एंड चाची का जो लड़का है मतलब मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो भी अकेला है, तो उसका भी मुझे खाना बनाना है, दोपहर का लंच बनाना है। तो देखते हैं कि आज क्या क्या बना पाती हूँ मैं। थोड़ा बहुत तो मुझे आता है, जितना आता है मैं उतना ही बनाऊँगी, इससे ज़्यादा तो मैं बना नहीं सकती है ना। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैंने बनाने का सोचा है एंड अभी तक मैंने क्या क्या प्रिपरेशन कर ली है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जूठा रखा हुआ है मैंने, मतलब जो भी आलू के छिलके, अंडे के छिलके, प्याज के छिलके, जो भी छिलके विलके होंगे वो मैं साथ में एक साथ फेंकने वाली हूँ, इसलिए मैंने साइड में रखा है। एंड ये जो सारे बर्तन हैं ना गाइस वो सुबह का निकले हुए हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय बिस्किट एंड नाश्ता का जो बर्तन है वो निकला हुआ है। हम लोग ऐसे जो है ब्लैक ड्रम में भर के रखते हैं, इधर उधर फेंक के नहीं रखते हैं, ताकि इकट्ठा हो जाए। देन उसके बाद जो बाहर हमारा जो ट्यूब कॉल दिख रहा ना, ओ शिट, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी डाल दिया इसलिए ऐसा हुआ, कोई बात नहीं। तो ट्यूब कॉल दिख रहा है ना हमारा, तो वो ट्यूब कॉल में जाके मैं बर्तन धो पाऊँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक ही बार सारा खाना बन जाए, देन उसके बाद जो है सारे बर्तन एंड जो काउंटर है उसको क्लीन करने के बाद मैं बर्तन भी क्लीन कर लूँगी। एंड यहाँ पे मैंने जो है चावल का पानी चढ़ा लिया है, क्योंकि हम चार जन लोगों के लिए खाना बना रही हूँ मैं। तो स्लो कर दिया है मैंने फ्लेम को, ज़्यादा पानी डाल दिया है ना इसलिए एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाता है। तो इसको छोड़ते हैं। तो चार जनों के लिए चावल का पानी मैंने चला दिया है एंड चावल मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लिया है एंड आलू वालू मैंने निकाल लिया है, और भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना है। तो चलिए दाल होने देते हैं। दाल हो रहा है, मसूर की दाल हो रहा है एंड मसूर की दाल के साथ मैंने चार अंडे भी दिए हैं उबलने के लिए कुकर में ही। तो देखते हैं कब तक हो जाता है, देन उसके बाद जो है बाकी का प्रिपरेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चल उतर उतर जल्दी, चल चल छेड़ दे छेड़ दे, तुम्हें हाथ दिला बोले हाथ दिलो, चल आ 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 आओ हमें धक्का है, आ आ आ आ राम मार खा भी दे। यहाँ जो है मैं एग की रेसिपी बना रही हूँ, सूखी वाली सब्जी अंडा एंड आलू के साथ, जो कि बहुत ही एसेंशियल था बनाने के लिए, क्योंकि और कुछ भी नहीं था घर में, तो एग थे अंडा था। तो चार अंडे मैंने बना लिए हम चारों के लिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा और टाइम देती हूँ 2 मिनट के लिए, देन ये परफेक्टली बन के तैयार हो जाएगा। एंड फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या बना के मैंने तैयार कर लिया है। ये मूंग की दाल है जो कि बन के तैयार हो चुकी है एंड ये करेला फ्राई है, करेला अनियन के साथ मैंने फ्राई किया है। एंड ये है लौकी, लौकी या कद्दू, इन दोनों में से कुछ होगा, कद्दू ही होगा। कद्दू को मैंने नॉर्मली नमक एंड मिर्ची पाउडर से फ्राई कर लिया है एंड चावल भी हमारा बल के तैयार हो चुका है। तो फाइनली जो है मैंने लंच बना के तैयार कर लिया है, सारा कुछ हो चुका है। एंड अब जस्ट मैं जो है अंडे की सब्जी जो है एक करी वो गैस बंद करके उतार लूँगी, देन हमारा जो लंच है वो बन के तैयार हो जाएगा। लंच बनाने के बाद जो है मैं बाबू को जल्दी से नहला चुकी थी, नहला के तैयार करके
जो है बाबू को लंच करवा रही हूँ, क्योंकि लंच करने के बाद जो है बाबू जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि उसका ट्यूशन टाइमिंग 3 बजे से है, 3 बजे से 5:30 बजे तक। तो इसके लिए जो जल्दी से मैं जल्दी से खिला देती हूँ, देन थोड़ी देर बैठेगा आधा घंटा, देन वो जाएगा ट्यूशन के लिए। तो होप आप लोगों को मेरा जो ब्रेकफास्ट टू लंच रूटीन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा, नहीं लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ ऑल्टरनेटिव डेज़ में ब्लॉग शेयर करने की, होप आप लोगों को अच्छा ज़रूर लग रहा होगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।